नमस्कार, अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं सेप शॉप के बारे में। जी, आप सही देख रहे हैं, सेप शॉप डायरेक्ट दिल से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज एमएलएम इंडस्ट्री में सबसे ऊंचे मकाम पर है सेप शॉप, और इसकी शुरुआत 2001 में 5 डायरेक्टर्स के द्वारा हुई, जिसके प्रमुख हैं मिस्टर रजत वर्मा। और 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इन्होंने अपनी पूंजी लगाई और कंपनी अधिनियम 1956 में रजिस्टर्ड हुए, जो कि आज कंपनी अधिनियम 2013 में भी एप्लीकेबल है। अगर आप गवर्नमेंट की कंपनी अफेयर्स साइट्स में जाएंगे, कंज्यूमर अफेयर एंड कंपनी में, उसमें भी इनका रजिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, सेप शॉप ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी करती क्या है? बेसिकली ये कंपनी एमएलएम इंडस्ट्री है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट की लिस्ट टाइम टू टाइम बदलती रहती है। ये इनके डिस्क्लेमर्स दिए हुए हैं, इनके प्रोडक्ट की लिस्ट दी हुई है, हेल्थ प्रोडक्ट हैं और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, कई तरह की इन्होंने प्रोडक्ट की जानकारियाँ अवेलेबल कराई हैं, और उसके ऊपर आपको अच्छा खासा मुनाफा भी मिलता है। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, खरीदने के साथ में किसी और व्यक्ति को बताते हैं, तो इसमें आपको कमीशन भी मिलेगा। कमीशन में सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये है, यदि आप 3 व्यक्तियों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको पहली बार में मिलते हैं 4,990 रुपये, 4,990, क्योंकि इसमें बुलसाई थर्ड सिक्स नाइन पर बुलसाई लगती है। उसके बारे में मैं फिर किसी वीडियो में चर्चा करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 3 लोग होते हैं, 3 लोग आपकी अपनी ताकत हैं। इन 3 लोगों की ज्वाइनिंग के आधार पर मुझको भगवान बुद्ध की एक कहानी याद आती है। जी हाँ, भगवान बुद्ध की कहानी ऐसी है कि एक नवयुवक बहुत परेशान था, और वो इतना परेशान हो गया था कि उसने कहा कि भगवान, मैं जो भी खाना बनाता हूँ वो पूरा का पूरा खाना मेरे चूल्हे में चला जाता है। अब वो उसका चूल्हा ख़त्म कर देता है, खा जाता है, वो क्या करे? बहुत परेशान हुआ। किसी ने उसको बताया कि एक काम करो, भगवान बुद्ध के पास जाओ। भगवान बुद्ध के पास जाएं? उसको समझ में नहीं आया। उनने कहा, भगवान बुद्ध सभी की समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो उन्होंने भगवान बुद्ध के पास गए। अब जैसे वो गया, रास्ते में उसको एक नगर सेठ मिले। नगर सेठ ने बताया कि भाई, बुद्ध भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो तो मेरे अभी एक संदेशा लेते जाओ। उसने कहा, बिल्कुल। वो संदेशा ये था कि बोले, मेरी बेटी जो है वो बोल नहीं पाती, और इसके लिए कोई उनसे उपाय लेके आना। उसने कहा, बिल्कुल ले आएंगे। अब वो भगवान बुद्ध के पास आगे बढ़ गया। रास्ते में उसको एक साधु जी मिले। साधु करीब 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के थे। उन्होंने कहा कि भाई, बुद्ध भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो, उनके जाने का ये रास्ता है, और मेरी एक समस्या उनको बता देना, वो समाधान कर देंगे। उन्होंने बताइए। उन्होंने कहा, समस्या मेरी ये है कि मुझको स्वर्ग में जाना है और मैं मुक्ति चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा, ठीक है, आपकी बात में भगवान बुद्ध से कह दूंगा। अब वो जब जाने लगा भगवान बुद्ध के पास, तो एक बहुत बड़ा सा उसको बर्फीले तूफान और बर्फ़ वाली नदी मिली। उसको पार करने के लिए बड़ा परेशान कि मैं कैसे जाऊंगा। तो उसने कहा, वहाँ पे एक कछुआ मिला जो लगभग 500 से भी ज़्यादा उम्र का था, 500 वर्ष से भी ज़्यादा उम्र का था। उसने कहा, भाई मैं तुमको वहाँ पहुँचा दूँगा, भगवान बुद्ध से मेरी समस्या ज़रूर बता देना, मेरा समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा, बताओ।
उन्होंने कहा ऐसा है कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? ड्रैगन। और मैं इसके लिए परेशान हूँ, अब मैं कछुआ की ज़िंदगी से ऊब गया हूँ। तो उन्होंने ठीक है ऐसा कर देंगे। तो कछुए ने अपनी पीठ पर बिठाया और उसको उस बर्फीले तूफान बर्फीली नदी के उस पार ले गया। नवयुवक जब पहुंचता है भगवान के पास, भगवान बुद्ध के पास, तो भगवान बुद्ध से कहता है मैं बहुत परेशान हूँ क्या करूँ। भगवान बुद्ध ने उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त ऐसी थी कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ 3 प्रश्न पूछ सकते हो। अब वो दुविधा में फंस गया क्या करें। अब उसने कहा कि क्या करें, उसने कहा सब कुछ होने के बाद भी विचार करने के बाद उसको याद आया वो 3 व्यक्ति, एक तो नगर सेठ, फिर साधु, तीसरा कछुआ। उसको लगा मैं इन्हीं लोगों के बारे में पूछ लेता हूँ तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। वही किया उसने। ये 3 लोग, जिस तरह से आपके शेप शॉप में भी 3 होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन 3 के बारे में, तो उस व्यक्ति ने उन 3 लोगों के विषय में पूछना शुरू करा। भगवान बुद्ध ने उनके बारे में जानकारी दे दी और वो काफ़ी मायूस हो करके कि मेरा काम नहीं बना, वापस लौट के आया। जब वो लौट के आता है उसने बताया, सबसे पहले कछुआ मिला, कछुए को बताया कि भाई तुम अपनी ये जो तुम्हारी कवच है इस कवच को हटा दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। जैसे ही कछुए ने अपनी कवच को हटाया उसमें से ढेर सारे मोती निकले जो उस युवक को मिल गए। फिर वो जाता है दूसरे व्यक्ति के पास, ये व्यक्ति जो कि साधु जी थे और उनको मोक्ष चाहिए था। उन्होंने कहा ये आपके पास जो जादू की छड़ी है इसका आप त्याग कर दीजिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। उन्होंने वही किया, वो जादू की छड़ी उस युवक को पहुंचा दी, युवक को प्रदान कर दी और वो मोक्ष को चले गए। अब वह युवक तीसरे व्यक्ति के पास पहुंचता है, नगर सेठ। उन्होंने कहा सेठ जी से कि भगवान बुद्ध ने कहा है आप अपनी लड़की की शादी कर दीजिए, लड़की बोलने लगेगी। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझको इससे अच्छा वर कौन मिलेगा। उन्होंने उस युवक के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी, वह बोलने लगी। तो मित्रों, इस कहानी के माध्यम से आपको समझ में आया कि ये युवक 3 लोगों को ज्वाइन कराता है, इन 3 के लिए काम करेगा तो वो एक दिन माला माल बन जाएगा, डायमंड बन जाएगा, हर हफ्ते 2 लाख और महीने के 8 लाख रुपए कमाएगा। मुझको लगता है ये कहानी और शेप शॉप की सक्सेस स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप अनंत यात्रा बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।